नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्रेग्रेंस स्टोरी में। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, मैं अपने इस चैनल पे परफ्यूम रिलेटेड रिव्यूज़ करता हूँ, बाइक राइडिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ और ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक करके रखना, ताकि आगे मेरा जितना भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले मिरिस का इस परफ्यूम का अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखे नहीं हो तो आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो मेरे प्रोफाइल में जाके। और आज मैं इस परफ्यूम का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो बने रहो मेरे इस वीडियो के साथ एंड तक। जैसा कि मैंने बोला कि मैं कुछ दिन पहले इसको ऑर्डर किया था, तो जब मेरे पास आया, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। तो उसके बाद मैं इस परफ्यूम को कुछ दिन यूज़ किया और उसके बाद ही मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ इस परफ्यूम का। तो कैसा है ये परफ्यूम, क्या आप लोगों को ये परफ्यूम लेना चाहिए, कैसा है इसका फ्रेग्रेंस, कितना प्राइस में आप लोगों को मिलेगा ये परफ्यूम, क्या ये आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, और सबसे बड़ा बात है इसका लॉन्गजेविटी कैसा है और इसका स्मेल कैसा है। दोस्तों, ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है। सबसे बढ़िया बात इसमें यही है कि मेरे जिन भाई लोग अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकते हो, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है ये मिरिस का परफ्यूम। और जिन लोगों को अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम स्किन में एलर्जी करता है, उनके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन है। वाटर बेस्ड परफ्यूम मैंने भी पहला बार यूज़ किया और मुझे जो लगा, जो सच्चाई है इस परफ्यूम के बारे में, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना जो ओपिनियन है। तो पहले देख लेते हैं इसका जो प्रेजेंटेशन है कैसा है। नॉर्मल वाइट कलर का बॉक्स है कार्डबोर्ड का। प्रेजेंटेशन इसका बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। नॉर्मल में ये आप देख सकते हो, एक वेलवेट का कारपेट टाइप का सजाया हुआ है, उसके अंदर इस तरह का क्लियर बोतल में परफ्यूम है। नॉर्मल ग्लास का परफ्यूम है, कैप बड़ा साइज़ में है, अच्छा है, टाइट भी है, आसानी से हाथ से निकलेगा नहीं। मिस्टिंग इसका देख लेते हैं, अच्छा है इसका मिस्टिंग। दोस्तों, प्रेजेंटेशन में तो नॉर्मल है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इसका जो असली चीज़ है वो है फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों, ये बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम है, जैसे कि वाटर बेस है। ये एक्चुअली जिन लोगों को लाउड फ्रेग्रेंस पसंद है, प्रोजेक्शन हाई जिन लोगों को पसंद है, उन लोगों को ये परफ्यूम अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों को डेली बेसिक परफ्यूम चाहिए, बहुत ही लाइट और मिल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये परफ्यूम लगाने के बाद मुश्किल से 10-15 मिनट तक स्मेल थोड़ा एक दो फीट प्रोजेक्शन करता है, उसके बाद ये आपका स्किन के आसपास ही रहेगा। इसको आप खुद अपने आप में ही महसूस कर पाओगे, उससे ज़्यादा इससे आशा आप लोग नहीं रख पाओगे, खास करके मेरी इसका ये कोरल जो परफ्यूम है। ये एक्चुअली समर परफ्यूम है। आप लोग डेली बेसिक, जिन लोगों को लाइट फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, आप लोग ऑफिस के लिए डेली बेसिक आप लोग इस परफ्यूम को बाय कर सकते हो। और दूसरा बात है, ये स्किन पे लास्टिंग करता है 5 से 6 घंटा, लेकिन बहुत ही लाइट, जैसे कि मैंने बोला कि आपके स्किन के आसपास ही इसका स्मेल रहेगा। कपड़ों पे भी सेम, 10-15 मिनट आपका कपड़ों पे प्रोजेक्शन रहता है, वो भी एक दो फिट के अंदर, उसके बाद ये पूरा ही मिल्ड हो जाता है और आपको क्लोज टू स्किन एकदम रहता है 5-6 घंटा। ये फ्रेश सिट्रसी टाइप का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। गर्मी के टाइम में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन खास करके जो लोग लाइट फ्रेग्रेंस पसंद करते हो, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। और मुझे उतना पसंद भी ये परफ्यूम नहीं आया, क्योंकि मुझे थोड़ा लाउड फ्रेग्रेंस पसंद है और प्रोजेक्शन अगर हाई होता तब भी मैं इसको रिकमेंड करता, लेकिन
हर इंसान का अलग अलग टेस्ट है, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि मुझे पसंद नहीं आया तो किसी और को भी ये परफ्यूम पसंद नहीं आने वाला है। तो जिन लोगों को मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लाइट फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है उन लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट है, खास करके जो लोग नहीं चाहता है कि लाउड हो फ्रेग्रेंस, बहुत दूर तक जाए, किसी के नाक पे चुभे, ऐसा फ्रेग्रेंस ये नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एक आइडियल फ्रेग्रेंस है। और जिन लोगों के लिए अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम अच्छा नहीं लगता है या लगाना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों ये 30 ml का बोतल का प्राइस पड़ा है 450, और रेट के हिसाब से ये परफ्यूम का रेट थोड़ा हाई है, ये मुझे मालूम नहीं है, शायद वाटर बेस है इसलिए, या कंपनी अपना रेट हाई रखना चाहता है इसलिए। तो मेरे ख्याल से ये फोर्थ बाई नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, हाँ इसका रेट अगर थोड़ा और कम हो तो अच्छा है और हर कोई इसको एफर्ट कर सकता है, इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि रेट के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये बजट फ्रेंडली नहीं परफ्यूम है। तो आप लोग इस रेंज में दूसरा परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक का था, तो मेरा ये ओपिनियन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, आगे भी मैं बहुत सारा परफ्यूम का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बेल आइकन में आप लोग क्लिक करके रखोगे तब। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा आप लोगों के साथ एक नया वीडियो एक नए परफ्यूम के साथ, तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहो और महकते रहो, अच्छे रहो, बाय दोस्तों।